अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आप सब की। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। रात शहर में भी बहुत बारिश रही है, सुबह भी बहुत बारिश रही है। मैंने सुबह से मैंने कहा था कि मैं सरप्राइज़ दूँगी, खैर सरप्राइज़ नहीं दे सकी क्योंकि बारिश की वजह से जाना मैंने बाहर था, बारिश की वजह से मैं जा नहीं सकी हूँ, मगर सेकंड टाइम तो जाना ही जाना था मैंने। तो इसलिए वो क्यों जाना था, कहाँ जाना था, मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ हमने जाना था। मैं आज आपको उस जगह लेके जा रही हूँ जहाँ मैंने बहुत अपने क्या कहते हैं ना, अपना बचपन जहाँ मैंने गुजारा, मैं वहाँ लेके जा रही हूँ आपको। तो वैसे भी आज दुआ का फर्स्ट पेपर है 10th का, तो मैं जा रही हूँ उसी के साथ ही जा रही हूँ, और वो प्लेस जो है वो उसी ही जगह है। मैं धूप में इसलिए खड़ी हुई थी, नहाई थी, तो मैंने कहा बाल गिरे बाल खुश करूँ, धूप भी आ जा रही है, तो चले चलते हैं। मौसम तो अभी भी भाई बहुत बादल चादल हैं, निकलते हैं, देखते हैं, अल्लाह खैर करे, खैर खैरियत से हम भी पहुँचे वहाँ पर, बारिश वगैरह ना शुरू हो। तो चलें चलते हैं आप और हमारे साथ हैं आप सब। ये देखिए बाहर का क्या हाल है, बारिश से इतना पानी खड़ा हुआ है बाहर, बहुत ज़्यादा। बच्चों को जो सेंटर था जहाँ पेपर देना था, वो बच्चों का ऊपर वाला पोर्शन था, तो इसलिए सब बच्चे ऊपर जा रहे थे, उनके पीछे मैं भी चली गई थी। ये वो सीढ़ियाँ हैं जहाँ पे हम बहुत खेला करते थे बचपन में। सीढ़ियों में मैं आस्ता आस्ता चढ़ रही थी, मुझे चढ़ा नहीं जा रहा था क्योंकि मुझे चोट लग गई थी टांग पे, तो मैं बहुत मुश्किल से जो था ना मैं सीढ़ियों पे चढ़ गई थी। यहाँ पे पीछे बैठी हूँ और तुम्हारी दोस्त वो आगे वाली उसकी जाऊँगी। ये सीढ़ियाँ हैं जिसपे बहुत खेले हुए हम, इधर हमारे टॉयलेट हुआ करते थे सारे। ये देखिए अभी भी वही बिल्डिंग है, ये सारी वही बिल्डिंग है। इस क्लास में हमने बहुत इंजॉय किया हुआ है, ये हमारा वो होता था क्या कहते हैं, यहाँ पे हम खड़े होके प्ले वगैरह किया करते थे, ड्रामे वगैरह कुछ होना, परफॉर्म करना, तो यहाँ पे होता था। ये देखिए ये क्लासरूम है, ये लास्ट वाली क्लास होती थी जिसपे हम खेला करते थे, खेलने के लिए शुरू शुरू की क्लासेस हमारी जो थी वो स्टडी की थी। इसमें पार्टीशन कर दी गई है, ये हॉल हुआ करता था सारा, बहुत बड़ा हॉल हुआ करता था, इसलिए स्कूल में कोई फंक्शन हुआ करता था तो ये पूरा हॉल था, इन्होंने बीच में लगा दिए हैं, ये दो क्लासेस कर दी हुई हैं इन्होंने, तो यहाँ पे पहले फंक्शन हुआ करता था, सारे स्टूडेंट यहाँ बैठ के तो सारा फंक्शन जो था ना अटेंड किया करते थे। और ये देखें अलमारी पुराने स्टाइल की, यहाँ पे सारी टीचर्स की जो होती थी बुक्स वगैरह या पर्चे वगैरह जो भी रखा जाते थे वो इस जगह पर रखे जाते थे। यूँ फिर बड़ी बड़ी क्लासेस जो होती थी हमारी वो चलती जाती थी, यूँ आगे सारा क्लास रूम जो होते थे सारे चल रहे होते थे, फिर सेक्शन वाइज। ये क्लास हमारी 6th की हुआ करती थी, इसमें 6th क्लास पढ़ी है हम लोगों ने, तो नीचे करके दिखा देती हूँ कि ये 6th क्लास हुआ करती थी। ये प्रिंसिपल का हमारे होते हुए ये ऑफिस हुआ करता था, तो यूं ही सारी क्लासेस आगे यूं जाती थी कंटिन्यूसली वहाँ तक एंड तक, जो मैंने आगे आपको हॉल भी दिखाया है वो भी है यहाँ पर। ऊपर सारे इस साइड पे हो रहे हैं पेपर, ऊपर चले गए हैं बच्चे माशाल्लाह से अब पेपर्स देने के लिए। तो ये बिल्डिंग जो है ये बिल्डिंग नहीं बनाई गई, हम यहाँ पे बैठ के दरख्त के नीचे पहले बहुत खेला करते थे इस दरख्त के नीचे। तो यूँ ही देखें ये सारा ऐसा ही एज इट इज़ ही है स्कूल, मगर ये है कि एक साइड पर जो है ये वाली सीढ़ियाँ जो ऊपर जा रही हैं ये नया पोर्शन इनोवेशन नहीं हुई है। ये देखें कि सारी कंस्ट्रक्शन ये जो है ये नहीं हुई, ये ऊपर जो बनी हुई है अब ऑफिस जो है वो सामने साइड पे चला गया है उस साइड पे। साथ ही इनकी डिस्पेंसरी हुआ करती थी, अगर बच्चों को कोई चोट वगैरह लग जाती थी तो बच्चों को जो था ना ट्रीटमेंट के लिए उनको ट्रीटमेंट की जाती थी बच्चों को। तो यहाँ पे जो सारा ये ग्राउंड था ये सारा ग्राउंड होता था, यहाँ पे सारी हमारी वो असेंबली वगैरह हुआ करती थी, और यहाँ पे हम लोग PT वगैरह भी, वो जो क्लास होती थी ना वहाँ पे हमने पहली नर्सरी जो होती है जैसे पहली दूसरी तीसरी क्लास ये सारी हम लोगों ने उस साइड पे पढ़ी है क्लास हमारी, ये सारी उस साइड पे क्लासेस हुआ करती थी। उसके बाद जो था इधर से ही हमारी हो जाती थी बड़ी क्लासेस शुरू हो जाती थी, इधर 6-7 यूँ चलती थी, सारे सेक्शन होते थे सारे इसके, और यूँ फिर ऊपर तक जाती थी क्लासेस हमारी ना सारी। तो ये क्लास रूम जो है ये बच्चों का नर्सरी, आई थिंक नर्सरी है जो कि इन्होंने नया बनाया है पोर्शन ये वाला, पहली से लेके हमने 6th तक पढ़ा है। और मैंने शुरू शुरू में आपको क्लासेस भी बताई हैं कि मैं कौन कौन सी क्लास में बैठा करती थी, इधर हमारी जो जिस एरिया में मैं बैठी हूँ यहाँ पे हमारी होती थी जो पहली क्लास हुआ करती थी, तो उस साइड पे मैं बैठी हूँ बच्चों वाली पोर्शन पे। तो देख के अपना स्कूल बहुत मुझे अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया मुझे देख के, अपनी बचपन की यादें ताज़ा हो गई मेरी, मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हो रही है।
आपको मैं इस स्कूल का एक अच्छा सा वाक्या सुनाती हूँ, बहुत ही मज़े का वो वाक्या। हम तीन बहन भाई पहले यहाँ पे दाखिल हो चुके थे, दो बहनें और एक भाई। जो छोटी बहन थी उसका नाम चंदा था, तो बाजी को टीचर ने कहा कि कल आपने ना चंदा लेके आना है। अब बाजी को तो बाजी चली गई घर, बाजी ने कहा कि चंदा मम्मा, उनको पता कैसे चला अम्मी कि हमारी बहन का नाम चंदा है, तो उसको लेके आना है। कैसे लेके आना है? अम्मी ने उसके लिए जल्दी जल्दी फ्रॉक सी पिंक कलर की और उसके लिए पैंटी सी, और सुबह जब हम स्कूल लेके आए चंदा को, छोटी सिस्टर जो थी मेरी, तो टीचर ने कहा कि आप चंदा नहीं लाई? कहती ये रही मेरी बहन छोटी चंदा, आपको कैसे टीचर पता चल गया कि हमारी बहन का नाम चंदा? तो हम इतना हंसे, अभी भी हम इतना हंसते हैं ना इस बात पे, बहुत हंसते हैं। हम कहते हैं लो भाई चंदा चंदा तुम्हारा नाम जो है ना, हमने चंदे के नाम पे ना हमने तुम्हें देखो कैसे इस्तेमाल किया। तो बहुत ही मज़े के वाक़ात हैं। हमने कहा जब तक दुआ का हो जाता है, पेपर हो जाता है, उतनी देर में हम विंडो शॉपिंग कर लेते हैं। हम आए हैं यहाँ चेज़ वैल्यू पे, चेज़ वैल्यू हम पहुँच गए थे। तो फिर बेटा जो था वो बाइक खड़ी करने गया था वहाँ पे, और मैं उतनी देर में भाई इंतज़ार कर रही थी उसका। जैसे ही वो आया फिर हम अंदर आ गए। अंदर आके हमने पहले जेंट्स का डिपार्टमेंट देखा, वहाँ पे देखा कि क्या क्या आया हुआ है। और वैसे इधर जेंट्स में अच्छी वैरायटी थी, और काफ़ी वैरायटी थी वहाँ पे ना जेंट्स में। तो सारी मैंने जेंट्स में देखे हैं, पैंट्स वगैरह और शलवार कमीज, ये चीज़ें थी बहुत अच्छी लग रही थी सब ना, अच्छा सारा सेट किया हुआ था। तो फिर मैंने देखा इधर लेडीज़ की तरफ आई, लेडीज़ डिपार्टमेंट पे आए हैं, तो लेडीज़ डिपार्टमेंट में भी गर्ल्स के लिए अच्छे थे ड्रेसेस वगैरह, कुछ अच्छे थे, कुछ का स्टफ़ नहीं था अच्छा, और कुछ फैंसी भी थे और कैजुअल दोनों ही थे सारे ड्रेसेस वगैरह, और कुछ अच्छे भी लग रहे थे मुझे इसमें से। और रीजनेबल जो थी वो प्राइजेस वगैरह थी इसमें कपड़ों में भी ना, तो अच्छी वैराइटी आई हुई थी यहाँ पर भी। ये बच्चों के लिए यहाँ पे सारे नेकलेस वगैरह सब, ये फीमेल्स का सबसे फेवरेट एरिया, सारी यहाँ पे पोनी वगैरह सब चीज़ें। कॉस्मेटिक फीमेल्स के मौसम हो गया है चेंज, देखिए बादल आ गए हैं फिर। हाँ बैठे वेट कर रही हूँ, बस आता है बेटा अभी तो। हाँ जी, कैसा हुआ पेपर आपका? अच्छा हुआ, इजी था? इजी था। दुआ ने दे दिया है पेपर, वो पीछे जा रही है अपनी फ्रेंड से, कह रही है मैंने मिलना है, अभी मिलेगी तो फिर मैं उसे, हम निकलते हैं हम लोग घर के लिए। हम यहाँ बैठे वेट कर रहे हैं ज़रा, थोड़ा सा फ्रेंड्स का इसकी फ्रेंड्स आएंगी तो फिर हम घर चलते हैं। फुल टाइम दे दीजिए, 5 मिनट पहले आएंगे। साइड मुझे पेंसिल पेन लगाया होगा। इसके साथ ही अब चलते हैं हम घर, टाइम लग गया यहीं पर। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। जहाँ रहें खुश रहें, अपनों का ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। और बहुत मज़ा आया मुझे अपना स्कूल देख के, बचपन के दिन बहुत याद आ रहे हैं मुझे। मैं भी सुनाऊंगी मेरे बचपन के दिन, अब शाह अहमद का था, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन।